पटना स्थित भाकपा माले कार्यालय में विधायकों ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 23 मार्च को विधानसभा में पुलिस और विपक्षी विधायकों के बीच हुई भिड़ंत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला। विधायक महबूब आलम ने कहा कि सशस्त्र पुलिस विधेयक को वापस लेने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर धरना दिया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उनसे मारपीट शुरू कर दी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि ये उनका संवैधानिक हक है कि वे धरना प्रदर्शन दे सकते हैं, लेकिन वहां पुलिस ने विपक्षी विधायकों से अभद्र व्यवहार किया जो कि सदन की मर्यादा के खिलाफ है। सम्मान दिया तो जब नहीं दिया तो ये महत्वपूर्ण विधेयक है, गंभीर विधेयक है, इसको प्रवर समिति में क्यों नहीं भेजना चाहते हैं आप? तो उनके विजेंद्र यादव मंत्री बोलते मैं क्यों प्रवर समिति को भेजूं? अरे यही प्रोसेस है, प्रवर समिति को भेजना होगा आपको, कुछ मुद्दों पर जनमत संग्रह करना होगा आपको। ये 70 साल हो गए आजादी का, जबरदस्त प्रतिरोध। तो भाकपा माले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पटना के कार्यालय में, और भाकपा माले के विधायक महबूब आलम, जिनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उन्होंने आज पीसी करके जो 23 मार्च को बिहार विधानसभा में पुलिस और विपक्षी विधायकों के बीच भिड़ंत हुई है उस पर अपनी बात कही। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए पटना से संवाददाता उत्कर्ष जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, महबूब आलम ने कहा है कि ये उनका संवैधानिक हक है और विपक्षी विधायक तमाम चैम्बर के बाहर सिर्फ धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वहां पर कोई अभद्र व्यवहार विधानसभा अध्यक्ष के साथ नहीं किया गया, और क्या कुछ वहां पर सामने निकल कर आया उत्कर्ष? जी हाँ ऋतिक, जिस तरीके से आज वहाँ पर भाजपा माले के यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, साफ तौर पर महबूब आलम का कहना है कि जिस तरीके से विधानसभा में जो एक संवैधानिक जगह है जहाँ पे लोगों को पुलिस बल को जाने का अलाउ परमिशन नहीं मिलता है, वहाँ पे पुलिस बल द्वारा विधायकों के साथ धक्कम धुक्की की गई, साफ तौर पर उन्हें घसीटा गया है और उन्हें मारा गया है, जो कि संविधान के खिलाफ है और हम इसकी निंदा करते हैं। तो क्या कुछ कार्रवाई की मांग है उनकी और आगे क्या कुछ कदम अब भाकपा माले का होने वाला है इस पूरे मामले में? कहना है कि हम जो विधानसभा के स्पीकर है उनसे मांग करेंगे कि जितने भी फुटेज हैं उसे निकाला जाए, और जो भी पुलिस अभद्र तरीके से लोगों को निकाल रहे थे, विधायकों को निकाल रहे थे, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका उत्कर्ष। तो पटना के भाकपा माले कार्यालय में आज विपक्षी विधायकों ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और 23 मार्च को बिहार विधानसभा के बाहर पुलिस की भिड़ंत और विपक्षी विधायकों के बीच हुई भिड़ंत को लेकर आज उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तमाम कार्रवाई में सीसीटीवी फुटेज की खंगाल कर इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग वे कर रहे हैं।